नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी सोमनाथ में हूँ और सोमनाथ में ये गिर सोमनाथ ज़िले का हमीर जी सर्किल है और ये हमीर जी घोड़े पे स्टैचू बना हुआ है और सामने मंदिर है। आज इस वीडियो में हम ओशियन व्यू समुद्र दर्शन पथ पे चलने वाले हैं और सोमनाथ मंदिर के पीछे तक सेल्फी पॉइंट तक जाएंगे और समुद्र को देखेंगे। उससे पहले ये सामने आपके श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और ये यहाँ का व्यू है पूरा बाहर का। ये यहाँ से इसका एंट्री शुरू होता है। आइए शुरू करते हैं, पूरा वीडियो देखिए, आपको मज़ा आने वाला है। यहाँ से हमें अंदर एंट्री करना है। और यहाँ ये इधर टिकट घर है, टिकट लेना है और इधर से आप वापस आ सकते हैं। यहाँ आपको 5 रुपये का टिकट लेना होगा। और ये टिकट खिड़की जहाँ से हमने ये टिकट हमारी ले ली है। आइए अंदर प्रवेश करते हैं। और ये टिकट प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम आ गए हैं। इधर से चल के आए हैं और ये सामने का पूरा पहला व्यू। आइए चलते हैं। और ये अंदर आते ही अंदर का व्यू और इधर ये दुकानें बनी हुई हैं जहाँ से आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। इधर से अभी चल के आए हैं। आइए इधर चलते हैं। और ये मारुति हाट जो बना हुआ है उससे आगे आते ही ये पूरा समुंदर आपके सामने। और यहाँ आप साइकिलिंग कर सकते हैं, घुड़सवारी कर सकते हैं, ऊँट की सवारी कर सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए इधर चलते हैं। और ये सबसे पहले हनुमान जी आशीर्वाद की मुद्रा में यहाँ पर खड़े हुए हैं और सभी यहाँ पर अपनी सेल्फी ले रहे हैं, फोटोए ले रहे हैं। और ये सामने ऊँट, ऊँट की सवारी आप कर सकते हैं और ऊँट के साथ घोड़े की सवारी भी हो सकती है यहाँ पर। और ये देखिए लहरें पानी में से उठती हुई। आइए समुद्र को नज़दीक से देखते हैं। और ये समुद्र का किनारा और समुद्र के किनारे पे लोग आनंद लेते हुए और ये आती हुई समुद्र की लहरें, यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें। और इसके साथ ये घोड़े के ऊपर सवारी का आनंद और ये पूरा यहाँ का लोग अपने अपने तरीके से आनंद लेते हुए सोमनाथ के इस समुद्र के तट पर। और ये ऊँट की सवारी इतनी आसान नहीं होती है। ऊँट जब खड़ा होता है और बैठता है तो सवारी को थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है। और ये यहाँ के लोग ये ऊँट अभी नीचे बैठने वाला है, ये देखिए। एक बार आगे एक बार पीछे फिर सीधा होके बैठता है। अपने अपने तरीके से आप यहाँ पर समुद्र के किनारे पर आनंद ले सकते हैं। कोई पानी के अंदर जाके आनंद ले रहा है,
और कोई बाहर से ही आनंद ले रहा है, कोई घोड़े पे घूम रहा है और कोई ऊंट पे घूम रहा है। आइए मंदिर की तरफ चलते हैं अभी, और इधर से हम मंदिर की तरफ चलेंगे आगे। आइए चलते हैं, और ये इधर से चलते हुए हम मंदिर के पास में पहुंच गए हैं अभी। आइए और नज़दीक चलते हैं। और ये सोमनाथ मंदिर, इसके पास हम आ चुके हैं। सोमनाथ मंदिर शिव मंदिर है और हिंदुओं का एक खास स्थान है इसका, और ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। चंद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और समय समय पर इसे अलग अलग राजाओं द्वारा लूटा गया और दोबारा इसे खड़ा किया गया। ये इसका काफ़ी लूटने का और खड़े करने का काफ़ी लंबा इतिहास आप गूगल पे देख सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण आज़ादी के बाद किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका निर्माण करवाया था आज़ादी के बाद में, जो समुंदर के बिल्कुल किनारे पे, आप इधर देखें तो ये पूरा समुंदर, और इस समुंदर के एक छोर पे ये मंदिर सोमनाथ मंदिर, जो शिव मंदिर है और हिंदुओं का एक खास स्थान इस मंदिर का है। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। कैसा लगा अपना कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।